नमस्कार। आज की कहानी है गलता लोहा और इस कहानी को लिखा है शेखर जोशी ने। इस कहानी में जातीय अभिमान के पिघलने का उसे रचनात्मक कार्यों में ढलते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले कहानी में मोहन है एक पात्र, उनके पिता हैं वंशीधर जो पुरोहिती का धंधा करते हैं और लोग उन पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, व्रत उपवास नहीं करते हैं, इसलिए वह अपने बेटे मोहन को कहते हैं कि वह ये काम संभाल ले, लेकिन मोहन ये काम करना नहीं चाहता है, इसलिए वह हंसुआ उठा करके उसकी धार तेज करने के लिए धनराम लोहार के यहाँ चला जाता है और वह चाहता है कि हंसुए से खेती का कुछ काम कर लेगा। धनराम उसका सहपाठी है और दोनों मिलकर के एक जगह बैठ कर के अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं। धनराम को तेरे का पहाड़ा याद नहीं होता था, वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख पाता था, इसीलिए मास्टर त्रिलोक सिंह उसे कहते थे कि तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा, और यह कहकर उसे 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए दे दिया करते थे। तभी से वह अपने पिता गंगाराम के साथ लोहार का काम सीखने लग गया था, जिसमें उसे धोखनी फूकनी, सान लगाना और घन चलाना। धोखनी होती है लोहे की मशीन जिसमें अग्नि होती है, और घन चलाना एक हथौड़े से लोहे को पीट करके उसे गढ़ा जाता है। उसके पिता भी काम से ठीक, अगर वह काम ठीक नहीं करता था तो उसे पिटाई करते थे। एक दिन उसके पिता चल बसे, अब वह खुद लोहार का काम करने लग गया। उधर मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई और इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था, रास्ते में 2 मील की ऊँची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी, फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थक हार कर घर आता तो उसके पिता उसे अन्य बालकों का उदाहरण दे करके उत्साहित करते। एक दिन जब वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया, जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुँचे, लेकिन मोहन के पिता को डर लगा और उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक आता है जो लखनऊ से गांव में आता है, तो मोहन के पिता उसे बताते हैं कि मोहन की पढ़ाई की उन्हें चिंता है। इस प्रकार से वह अपने साथ उसे पढ़ने के लिए शहर ले जाता है। वंशीधर इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहता है, उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता है। बहुत कहने के बाद उसे एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। घर के काम के बोझ के कारण जैसे तैसे वह पास तो हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ रख दिया जाता है ताकि सारे काम आराम से चल सकें, लेकिन मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया। वह अपने पिता को सच बात बता करके दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे भी नहीं पढ़ाया, कहा कि बीए एमए करके लोग बेकार घूमते हैं, इसलिए उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया और घर के काम पहले की तरह ही चलने लगे। 1.5-2 साल बाद जब वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, वंशीधर सभी को ये बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा, जबकि वास्तविकता का पता उन्हें चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग लोहार के यहाँ नहीं बैठते हैं और वे खड़े खड़े अपनी बात पूरी कर लेते हैं, परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और मोहन उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा और वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था,
किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, इसलिए लोहा ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता से और तेजी से किया कि धनराम को बहुत आश्चर्य होता है। धनराम को इससे बहुत हैरानी होती है कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण जाति के लड़के ने कितनी तरीके से ये लोहे का काम करना स्वीकार कर लिया। और मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर के लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था और उसकी आंखों में सृजन की चमक भी थी और प्रशंसा पाने का भाव भी था। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक उच्च जाति का बच्चा किस प्रकार से लोहार का काम बहुत ही आसानी से कर लेता है और अपने सारे जितने भी उसके भीतर जातीय भेदभाव थे उन्हें वह भुला देता है। वह बचपन में बहुत ही मेधावी छात्र था, इसीलिए वह इस काम को भी बहुत आसानी से करना स्वीकार कर लेता है। धनराम को आश्चर्य यूँ होता है कि पहले गांव में ब्राह्मण को ऊंची जाति माना जाता था और लोहार को निम्न जाति का माना जाता था, लेकिन अब मोहन जब ये काम कर रहा है तो उसे आश्चर्य होता है कि उसके मन में जातिगत भेदभाव जरा भी नहीं है।